हेलो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ फैराडे ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज दिस। हाउ मैनी मिनट्स इट वुड टेक टू रिड्यूस 0.20 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू कॉपर यूजिंग द करंट ऑफ 10 एम्पियर। मतलब 10 अगर हम कॉपर टू 0.20 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन को कॉपर में कन्वर्ट करना है, करंट हमें कितना देते हैं 10 एम्पियर का, तो कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हम कॉपर टू पॉजिटिव को किस में रिड्यूस करना है, कॉपर में रिड्यूस करना है। तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू कॉपर। ठीक है, तो वन मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आयन टू कॉपर में रिड्यूस करने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर कितने चाहिए, 2 मोल। तो 0.20 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव को कॉपर में रिड्यूस करना है, द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इंटू 0.20, तो 0.40। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम चार्ज होता है। तो 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 96500 को हम 0.4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 38600 कूलम। अब हमारे पास Q किसके इक्वल है, I इंटू टी, हमारे पास कितना कूलम चार्ज आ गया, 38600, करंट हमें कितना दिए और 10 एम्पियर, टाइम हमने पता करना है। तो 3860 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 3860 सेकंड इक्वल टू टाइम। अगर हमने मिनट में कन्वर्ट करना है तो 3860 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 64.3 मिनट। तो 64.3 मिनट हमें चाहिए अगर हमने 0.20 मोल को कॉपर टू पॉजिटिव को कॉपर में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो इन दिस वे यू डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, द सेकंड पार्ट इज, द सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मैनी कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। मतलब हमने वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करनी है, तो उसे हमें कितने कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करना है, वाटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, तो बैलेंस करेंगे, हो गया हाइड्रोजन कितनी होगी, 4H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें कितने हो गया, मतलब 2 2 4 4 हो गया, ऑक्सीजन के 2 2, इट मीन्स ये आपकी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी। द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो एक मोल में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम, तो 4 मोल में कितना हो गया, इतना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 × 96500/2 कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 0003193
हमें कितने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इतनी हमें कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हमने 2 मोल वाटर को ऑक्सीजन में क्या करना है, 1 मोल ऑफ वाटर को ऑक्सीजन में रिड्यूस करना, ऑक्सीडाइज करना है, तो हमें 193,000 कूलम ऑफ क्या चाहिए, चार्ज चाहिए।